हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदनाज आर्ट इम्प्रेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए मधुबनी पेंटिंग ट्यूटोरियल डे 8 में भगवान सूर्य की एक पेंटिंग लेके आई हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग है और ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। रिक्वायर्ड मटेरियल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जो मैं यूज़ कर रही हूँ और जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉर्डर बनाऊंगी, उसके लिए मैं बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। बॉर्डर मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया है, जो मैंने डबल लाइन दिया है मैं उसे फाइन लाइन से इसे फिल कर रही हूँ। इस फाइन लाइन को मधुबनी पेंटिंग में कचनी कहा जाता है। बॉर्डर लाइन भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं पैटर्न ड्रॉ करूँगी बॉर्डर की। बॉर्डर के पैटर्न के लिए मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी लाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर के पैटर्न हमारे इक्वल साइज़ के हों, इसलिए मैं इक्वल डिस्टेंस पे मार्क लगा रही हूँ। मैं वेव के पैटर्न ड्रॉ करूँगी। मैंने यहाँ वेव का पैटर्न ड्रॉ कर लिया। अब मैं वेव के दोनों साइड एक मोटिव ड्रॉ कर रही हूँ फ्लावर की। 3 पेटल्स वाले फ्लावर हैं ये, बहुत ही इजी है। मैं चारों साइड सेम पैटर्न ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ ये कैसी लग रही है। ये चारों साइड मैंने पैटर्न ड्रॉ कर लिया। अब मैं ब्लैक सिटी मार्कर से इसे ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी सुंदर लगने लगा है। अब मैं इसके अंदर फाइन लाइंस डालूँगी, कचनी फिल करूँगी, तो ये और सुंदर लगने लगेगा। बॉर्डर लगभग मैंने तैयार कर लिया। अब मैं इसे कलर करूँगी। कलर करने के लिए मैं यहाँ एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। आप वाटर कलर या पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं राउंड शेप का 0 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी नंबर का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बॉर्डर मैंने लगभग तैयार कर लिया है। अब इसके बाद मैं सूर्य भगवान का पिक्चर ड्रॉ करूँगी। उसके लिए मैं कंपास की सहायता से सर्कल ड्रॉ करूँगी।
यहाँ मैंने 5 सर्कल ड्रॉ किया है, सबका डायमीटर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसे मेंशन कर दूंगी। चलिए भगवान सूर्य का फेस ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग 2D पेंटिंग होती है, इसलिए जब भी हम लोग फेस ड्रॉ करते हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी हम शेड का यूज़ ना करें, शेडिंग ना दें, नहीं तो ये 3D इफ़ेक्ट आ जाएगा। मधुबनी पेंटिंग में नेचर को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी गई है, इसलिए भगवान सूर्य, चंद्रमा और नवग्रह जो सोलर सिस्टम के मेन पार्ट है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान सूर्य का फेस मैंने तैयार कर दिया है, अब भगवान सूर्य को और अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ। चलिए डेकोरेट करते हैं भगवान सूर्य को। भगवान सूर्य मैंने तैयार कर दिया है, अब मैं ब्लैक सिटी मार्कर से इसे ड्रॉ कर देती हूँ फाइनल इफ़ेक्ट के लिए, और उसके बाद हम लोग कलर करेंगे। ये देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ कुछ जगह मैं कशनी पैटर्न ड्रॉ करूँगी, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ, छोटे छोटे फाइन लाइन्स ड्रॉ करने हैं, बहुत ही बारीक होनी चाहिए, जितनी बारीक होगी उतना अच्छा इफ़ेक्ट आएगा मधुबनी पेंटिंग में। यहाँ मैंने सारे जगह कशनी पैटर्न डाल दिया जहाँ मुझे डालना था। उसके बाद मैं यहाँ पे भगवान सूर्य को येलो कलर से पेंट कर रही हूँ। चलिए पेंट करते हैं भगवान सूर्य को।
आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और ये पहली वीडियो आप देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मधुबनी पेंटिंग के और भी ट्यूटोरियल को ज़रूर देखें। तो अगर आप मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं मधुबनी पेंटिंग के ट्यूटोरियल के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनसे चेक कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ये पेंटिंग मैंने तैयार कर दिया है। अब मैं आउटलाइन बॉर्डर को मैं रेड कलर से फिल कर देती हूँ, जिससे बहुत ही अट्रैक्टिव ये पेंटिंग लगने लगेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। ये मेरी पेंटिंग तैयार होके बहुत सुंदर लगने लगी है, ये देखिए। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।